हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके ही अपने यूट्यूब चैनल गार्डन वर्क में। पिछली वीडियोस में आपने मनी प्लांट को पानी में उगाएं और ज़मीन में मिट्टी में कैसे उगाएं सीखा। ये तो आपने सीख लिया कि मिट्टी में या पानी में मनी प्लांट को कैसे उगाएं, लेकिन जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि पानी या मिट्टी में मनी प्लांट को उगाने के बाद, ग्रो करने के बाद किस दिशा में हमको इसको रखना है, तो उसका कोई लाभ नहीं है। जैसा कि बहुत से लोग, क्या मतलब सभी लोग लमसम ये मानते हैं कि मनी प्लांट को जो है कहीं से भी, जिसका जिसके यहाँ धन संपदा हो और जो मतलब अच्छे से हो, सुखी संपन्न जिसका परिवार हो, उसके घर से मनी प्लांट चुरा के लगाना शुभ होता है। तो ये कहीं हद तक सही भी है और इसकी दिशा जो है वो भी पहले से निर्धारित है कि हमें कहाँ लगाना चाहिए। अगर आप सही दिशा में नहीं लगाएंगे मनी प्लांट को तो उसका कोई लाभ नहीं है, उसका उल्टा प्रभाव आपको मिलने लगेगा। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि मनी प्लांट को पानी या मिट्टी में ग्रो करने के बाद किस दिशा में ग्रो करें, उचित दिशा क्या है इसकी, आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो ये देखिए, मनी प्लांट का पौधा है, ये मैंने निकाला है, ये गलत दिशा में लगा था। इसकी गलत दिशा कौन सी है हम ये भी जानेंगे आज। तो गलत दिशा जो है वो है आपकी उत्तर पूर्व की दिशा, ईशान कोण जो है ये मनी प्लांट लगाने की दिशा नहीं है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि देवताओं का स्थान है, ये शुभ है, लेकिन मनी प्लांट के लिए शुभ नहीं है। मनी प्लांट के लिए कौन सी दिशा शुभ होती है, मनी प्लांट हमेशा दक्षिण पूर्व दिशा में लगाना चाहिए, तभी आपको उचित लाभ मिलता है, शुभ लाभ मिलता है और आपका मनी प्लांट लगाना लाभदायी होता है। अगर आपने इसको गलत दिशा में लगा दिया, उत्तर पूर्व की दिशा ईशान कोण में, तो ये गलत होगा। तो ये मेरी गलत दिशा में लगा था, तो मैंने आज इसको आपको सही दिशा में लगाने के लिए निकाला है। तो मैंने सोचा आपके साथ इस वीडियो को बना के शेयर करूं और ये जानकारी आप लोग को भी होनी चाहिए कि ये किस दिशा में लगाया जाता है। और आप लोग इसको लगा सकते हैं कहीं भी बहुत अच्छी तरीके से। ये देखिए, छोटा सा ये मशरूम का कंटेनर है, इसमें से बस खाली छेद करना है हमको और ऐसी मिट्टी लेनी है। और मनी प्लांट ये तो मेरा पहले से लगा है, तो मैं इसको ऐसे में शिफ्ट कर दे रही हूँ, लेकिन वैसे आप लगाना चाहें तो मिट्टी भर के और आराम से इसको बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। ये देखिए कितना बड़ा है, ये इसमें आराम से चल रहा है। तो मनी प्लांट की दिशा शास्त्रों में निर्धारित है कि ये किस दिशा में लगाना चाहिए। ये शुक्र देवता का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए इसको हमेशा दक्षिण पूर्व दिशा में लगाना चाहिए और ईशान कोण में नहीं लगाना चाहिए। ईशान कोण की जो स्थिति है वो तुलसी जी के लिए अच्छी होती है, केला के लिए अच्छी होती है, लेकिन मनी प्लांट के लिए नहीं। भूलवश लोग मनी प्लांट को गलत दिशा में लगा देते हैं और फिर ये शिकायत करते हैं कि मैंने मनी प्लांट लगाया और उसका धन लाभ नहीं हुआ, उल्टा प्रभाव पड़ने लगा घर पे, सुख शांति हमारे घर की चली गई। तो आज हम कारण जान लेंगे कि क्यों ऐसा होता है। इसीलिए होता है कि उन्होंने अपना मनी प्लांट जो है वो लगाया होता है, लेकिन गलत दिशा में। अगर आपका मनी प्लांट गलत दिशा में लगा है तो जाइए, इस वीडियो में जानकारी आपको मिली है उसका उपयोग कीजिए और अपने मनी प्लांट को सही दिशा में लगाइए। अगर बॉटल में लगा है तो बहुत अच्छा है, आप कहीं भी उसे रख सकते हैं, बहुत इजी वे में, आपको कुछ करना ही नहीं है। आप जाइए अपनी बॉटल का जो दिशा है वो दक्षिण पूर्व में कर दीजिए। और अगर आपने ज़मीन में लगा रखा है तो उसको वहाँ से हटा के, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में भी बताया है और दिखाया है, निकाल लीजिए और निकाल के दक्षिण पूर्व दिशा में लगा दीजिए और उसका प्रभाव देखिए। आप लोग को जानकारी नहीं होती है और आप लोग गलत दिशा में लगा देते हैं मनी प्लांट को और उसका घर पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उल्टा प्रभाव पड़ता है, धन हानि होने लगती है, धन की घर में सुख समृद्धि खत्म होने लगती है, कम होने लगती है, तो आप लोग उसको उखाड़ के फेंक देते हैं। ऐसा नहीं है, अगर मनी प्लांट को सही दिशा में लगाया जाए तो उसका हमेशा प्रभाव वो सकारात्मक पड़ता है और परिवार सुखी संपन्न बनता है, धन लाभ होता है। तो एक बात का आपको ध्यान रखना है कि मनी प्लांट की दिशा भी गलत नहीं होनी चाहिए और दूसरी बात है, मनी प्लांट को कभी भी बाथरूम में नहीं लगाना चाहिए। ये है, ये चूँकि गणेश जी का जो ये माना जाता है प्रतिनिधि, तो इसलिए इसको जो है हमेशा जो है दक्षिण पूर्व की दिशा में ही लगाएं। तो
आशा करती हूँ कि ये जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी बढ़िया बढ़िया जानकारी आपको मिलने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, जिससे कि फिर मैं कोई अगर ऐसी ज्ञान की बातें आपको बताऊंगी, कुछ जानकारियाँ शेयर करूंगी, तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके और उसका आप लोग ज्ञान प्राप्त कर सके। और लोगों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिनके घर में गलत दिशा में मनी प्लांट लगा है वो अपनी दिशा को सही कर लें, और उनको भी धन हानि की बजाय धन लाभ हो, उसका सकारात्मक प्रभाव पड़े उनके घर पे, सुख समृद्धि में वृद्धि हो। तो आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छी वीडियो लगी होगी, अगर वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।